नमस्कार अपराह्न प्राइम को स्वागत प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस बंगोपसगर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि 24 से बात्यार हो परिणत एसआरसी कहे मुकाबला प्रस्तुत काले विभिन्न जिला को पठा एनडीआरएफ फोरड्राफ्ट टीम एपटे आज मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा ओडिशा रे संभाव्य बात्या नहीं धर्मेन्द्र प्रधान समीक्षा कहिले केन्द्र करिब पूरा सहयोग गृहमंत्री अमित शाह करेंगे आलोचना आईएमडी निर्देशक और एनडीआरएफ डीजी सहित वर्चुअल मीटिंग संभाव्य बात्या यस को नहीं बढ़ला चिंता मुकाबला निजे लोके भिड़िले अंटा सामाजिक संगठन और साधारण लोकों प्रस्तुति विपद पूर्व करुछंती तैयारी मे शेष सुधा ह्रास पाई संक्रमण टेस्टिंग अनुपात में ह्रास पाँच पॉजिटिव हार गांव को सतर्क कराइले स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहिले डाक्तरों बिना परामर्श से खातु ना औषध राज्य में कमुनी दैनिक मृत्यु संख्या पुणि 26 मुंड नेला कोरोना 24 घंटे 11108 नुआ पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 1451 नुआ केस एवं विजेपुर कवाड़ा आंबुलांस को नहीं श्रम मंत्री कारनामा फिटनेस नहीं हेले रंगबोली करदे लोकार्पण मंत्री को जिलावासी प्रश्न कहीं ठेली देछो आमको मरण मुह को बुलेटिन आरंभ करिबा बड़ खबर बात्या संपर्कित खबर माड़ी आसुच्छी बात्या यस 26 तारीख में ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल में यह लैंडफॉल करिपारे तेबे एथिपाई राज्य में आरंभ होइछि प्रस्तुति पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर सृष्टि लघुचाप क्षेत्र आसंताकाली अवपात्र रूप नहीं 24 तारीख में बात्यारे परिणत हो 26 तारीख संध्या सुधा बात्या उपकूल छुईब उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग और बांग्लादेश तट मध्य उपकूल छुईब ए बात्या प्रभाव में 25 तारीख में उपकूल ओडिशा वर्षा आरंभ हो तेबे ओडिशार समस्त मत्स्यजीवी को सुरक्षित फेरई अणा जाइछि समस्त कृषक मानू अनुरोध करा कृषिजात द्रव्य को सुरक्षित स्थान को नहीं आसतु तुरंत जल निष्कासन ड्रेनेज सफा करा जाइछि लोकों स्थानांतरित बात्या आश्रयस्थल परिचालना और पुनरुद्धार पर बड़ बड़ एनजीओ मानक सहयोग लोड़ा जाइछि डाकबाजी जंत्र द्वारा बात्या आश्रय पूर्व लोकों आश्रयस्थल को चली आसवाक कहुची तुरंत आसने मास्क दिजाव और रैपिड रेस्पन्स टीम पठाई स्वास्थ्य परीक्षा करदी कहीं संक्रमित जमापड़ता स्वतंत्र व्यवस्था होतरटी एनडीआरएफ टीम 20 ओड्राफ 150 फायर टीम प्रस्तुत अच्छा आसंता काली से विभिन्न जिला को पठाजिबो बात्या परे गच्छ काटिबा लागि वन विभाग को कहुची प्रस्तुत रही कहुची एसआरसी अन्यपटे ओडिशा रे संभाव्य बात्या यस को नहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समीक्षा राज्य को केन्द्र करिब पूरा सहयोग एपरिकी बात्यार परिस्थिति को नहीं गृहमंत्री अमित शाह सहित आलोचना करेंगे आज आईएमडी निर्देशक मृत्युंजय महापात्र और एनडीआरएफ डीजी सत्यनारायण प्रधान सहित भिसी जरिए आलोचना करछंती केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी सहित धर्मेन्द्र प्रधान आलोचना करछंती एनडीआरएफ ओडिशा को समस्त प्रकार सहयोग तथा विपर्य सुरक्षा बल नियोजित करने संपूर्ण प्रस्तुत रही एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान यह अवसर धर्मेन्द्र प्रधान कहते भारत और राज्य सरकार समन्वय में आम बात्यार मुकाबला करें भयभीत न हो सजग रहिबार आवश्यकता रही
ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5:30ରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5:30ରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେହିପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜେଡିସି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାନିଟେସନ, ଡ୍ରେନେଜ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡ୍ରେନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ୟେସ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିବା ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟିକାକରଣ ଓ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାୱାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ରଖାଯିବା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଫିଲିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟର ସମେତ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି SRC ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମର BMC ର ସବୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମିଟିଂ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ସବୁ ଜୋନାଲ ଡେପୁଟି କମିଶନର୍ସ, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଆମର ସାନିଟେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ମିଟିଂ କରିଛୁ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରେ ଯାହା ଓଜମା ତରଫରୁ ଏବଂ SRC ତରଫରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅର୍କସ୍। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଯୁବ ସଂଗଠନଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଥର ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ସଫଳ ହେବ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତାକୁ ନେଇ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କଥା କୁହାଯିବ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବାତ୍ୟା ଆସେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକା ଥାଏ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କଲେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଏଇ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ SRC ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର CB ଏଠିକି ଅତୀତରେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେମାନେ ବି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ପ୍ରଶାସନ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ ଭାବେ, ଏଇଥରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସଜାଗ କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଇକ୍ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ସଜାଗ ହେବୁ ଆଉ। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, ଏ ଯେ ଗତ ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁନୁ, ଆମର ଚାଷ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର କାଲୁ ତ ବାପା ବର୍ଷାରେ ରାନ୍ଧିପାରୁନୁ ନା ଖାଇପାରୁନୁ, ବୁଢ଼ା ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘଟି, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବାପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ ଆସିକି ଆମେ କି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କେମିତି ରହିବୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚୁ। ସେହିପରି ଯାଜପୁରରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ପାଣି ଗାଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ହେବ ଆମେ କରିପାରିବୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବସିକି ଡିସିସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେବ ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହଁ, ଏଇଥର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଆସୁଛି,
सबुथर आम सूर्यालोक समाज सेवा तरफ बात्या समय आम लोक मानते पहुँची था लोक मान रंधा खाद्य अन्न्य सुविधा सुधक आम जोगाई था एथर मध्य आमर टीम पूरा प्रिपेयर अच्छे बात्या बेले गवर्नमेंट जहाँ करिबो आम अनुष्ठान भी सममात्रा रे काम करिबो जेहेतु जाजपुर जिला अफेक्टेड हम एसआरसी कहते तेणुक बात्यार आगामी दिन आम्भे माने निश्चित भाव निश्चित आम गाँ साई पड़िसा मान किमिति उपकार पाइबे एवं यह बाबद जनसचेतनता करिछु बात्या बुढ़ा वृद्ध लोक मान कि अन्य स्थान को सुरक्षित जगह को स्थानांतरित करमु से भाव में पदक्षेप नहींचु एवं आम मैंने गोटे युवगोष्ठी गाँ गाँ साई पाई बुलिकी सब बुढ़ा बुढ़ी अन्य मानक नित्य सामग्री जिनस मजूद रखापी प्रेरणा दूच खबर जारी रहिबो समीक्षक ब्रेक रो सीधा सड़क को जीवा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सांबादिक सम्मेलन को कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं इसी से संबंधित फंगल इन्फेक्शन जो कि अगर किसी भी हेल्थ सेटिंग में नोट किया जा रहा है उसके मैनेजमेंट पर भी उसी स्थाई से उसी नीति से कार्य हो जिसके तहत हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है एडवाइस किया है कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें जिसके तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए हर कोविड हॉस्पिटल में भी उस पर कार्य हो हमने उनसे यह भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन यानी कि चाहे वे ड्रॉपलेट हों चाहे वे एयरबोन हों चाहे कॉन्टैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट हो हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट सेफ्टी संबंधित सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को भी तरीके से मैनेज किया जाए गाइडलाइंस के तहत और इसके साथ ही वह सेटिंग्स जहां पर कि इन्फेक्शन हमें और अधिक मात्रा में ध्यान रखना है कंट्रोल करना है जैसे कि आईसीयू है हमारे या हमारी लैब्स हैं या वहां पर जहां की हमारे पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हों या स्टीरॉयड ट्रीटमेंट पर हों या जिनको कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज हो वहां पर हम एनहांस्ड फोकस से इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें यह हमने स्टेट को गाइड किया है इसी के साथ ही आयुष से संबंधित रिहैबिलिटेशन और मैनेजमेंट संबंधित गाइडेंस देने के लिए एक कंट्री वाइड काउंसलिंग हेल्पलाइन भी आयुष मंत्रालय ने शुरू की है मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि इससे पहले भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई स्टेट्स और राज्यों के साथ चर्चा कर उन सबका एक स्थाई पर मनोबल बढ़ाया था दूसरे स्थाई पर उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे कि वहां पर हम कोविड कंट्रोल को मैनेज करने में काफी हद तक सक्षम रह सकते हैं और जिसमें कि एक से सीखकर दूसरा जिला और दूसरा राज्य भी उस पर कार्य कर सके वैसी चर्चा की थी उसके तहत ही चेन्नई कॉरपोरेशन में कुछ जो इनिशिएटिव्स हुए हैं और ऐसे इनिशिएटिव हर जिले में हर स्टेट्स में हो रहे हैं हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे जिसमें मुख्यतः देखें तो कैसे फीवर सर्वे वर्कर्स को सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया गया 12,000 से अधिक वर्कर्स जो कि डोर टू डोर प्रतिरोध जाते हैं ताकि वह सर्वे कर कोई आदमी जिसे फीवर हो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकें इसी तरीके से 200 मोबाइल टीम के द्वारा मोबाइल यूनिट्स के द्वारा और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के द्वारा कैसे टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें कि टर्न अराउंड टाइम यानी कि 24 घंटे के अंदर ही टाइम पर पेशेंट से संबंधित सस्पेक्ट से संबंधित रिजल्ट भी मिल सके उस पर भी कार्य हो रहा है साथ ही हॉटस्पॉट एरियाज यानी कि वह प्रांत जहां पर कि अधिक केसेज आ रहे हैं वहां पर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं इसी तरीके से बोथ एट फील्ड सिमिलरली एट फैसिलिटी लेवल मोबाइल टीम्स बनाकर या 100+ डॉक्टर्स जो कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में मोबाइल अर्बन कॉरपोरेशन में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकें कॉरपोरेशन के स्थाई पर जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं जो कि प्राइमरली आइसोलेशन बेड्स प्रोवाइड करते हैं उनको अपग्रेड किया गया और वहां पर ऑक्सीजन सेंटर्स और ऑक्सीजन रिलेटेड बेड्स भी प्रोवाइड किए गए इसी तरीके से एक मुख्य विषय कि जब हम वैक्सीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं
तो स्पेशल वैक्सीन ड्राइव ली जा रही है जो कि एल्डरलीज पर, डिफरेंटली एबल्ड पर और जो एल्डर्स ऐसे हैं जो कि चल नहीं पा रहे उनके ऊपर फोकस करती हैं। साथ ही कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए फ्रेंड्स ऑफ कोविड 19 सिटीजन्स अंडर सर्वेलेंस यानी कि फोकस वॉलंटियर्स के रूप में हम जो अपनी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे रोकें, कंटेनमेंट को कैसे मैनेज करें, उससे संबंधित सपोर्ट भी लिया जा रहा है। एक मुख्य विषय फिर हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, लोकल इनिशिएटिव के रूप में जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनके बीच में पार्टीशन करते हुए, ड्राइवर को पीपी प्रोवाइड करते हुए 250 से अधिक वहां पर कार एम्बुलेंसेज बनाई गई हैं। इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है 108 एम्बुलेंस का, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाना चाहे तो वह किसी बिना परेशानी के हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जा सके। इसी संबंध में मैं एक छोटा विषय आप लोगों के सामने फिर लाना चाहूंगा। हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में मैं एक छोटा सा विषय, मधुबन करनकोल ग्राम में जो कि देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड में, वहां एक 7 साल का बच्चा सपोर्टेड बाय 3 और जो बच्चे हैं उनके साथ मिलकर मिस्टर छोटू राणा जो कि 7 साल का एक बच्चा है, उसने एक छोटा सा वीडियो बना के जो हमें दिया है, हम उसके द्वारा आपको यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इससे पहले भी हमने बात की है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसके ऊपर पालन करना अति आवश्यक है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसी तरह के एक सिमिलर वीडियो को ट्वीट किया था जिसको आदर्श मानकर इन बच्चों ने जो वीडियो बनाया हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग के द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकते हैं। मान लो ये कोरोना है, ये कोरोना सबको कैसे बीमार करता है ये दिखाते हैं। देखो इन लोगों को कैसे बीमार करके गिरा दिया। हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं? इससे बचना कैसे है ये दिखाते हैं। देखो उठा लो, एक आदमी देखे कैसे चेन तोड़ के सब आदमी को। खबर जारी रहिबा समय छै आउ एक ब्रेक। ब्रेक पर स्वागत। भारत रे सारा विश्वर सबुठ बड़ वैक्सीनेशन ड्राइव चली। सरकारी तथ्य अनुसार वर्तमान सुधा 19,42,00,000 भारतीय को दि सारी टीका, जो थे ओडिशार 70,15,000 वैक्सीन रही। महाराष्ट्र में 1,62,952,000, राजस्थान में प्राय 1,28,00,000 को मिली कोरोना वैक्सीन। सेपरी वर्तमान 1.43 कोटि लोक टीका दिजार कार्यक्रम रही। सर्वाधिक गुरुत्व दि जाएगी तेणु सबु राज्य में किभली वैक्सीन मिल पार तापर नजर रखी केंद्र सरकार। राज्य में कमुनी कोरोना मृत्यु संख्या, आज आउ 26 मुंड नहीं महामारी जारी रही। 11,000 उपरे दैनिक संक्रमण ट्रेंड, 24 घंटे 11,108 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती। चिन्हट संक्रमित 6,219 जन क्वारंटीन चिन्हट होता बेले 4,899 जन लोकाल केस रही। खोर्धार 1,451 नुआ आक्रांत चिन्हट होती। सेपरि कटकु 944, अनुगुल 864, सुंदरगढ़ 708, मयूरभंज 635, बालेश्वर 509, बरगढ़ 339 जन चिन्हट होता बेले भद्रक 499, पुरी 473, जगत सिंहपुर 318, जाजपुर 396, बलांगीर 298, बौद्ध 273, गंजाम 214, देवगढ़ 125, ढेंकानाल 131, गजपति 157, झारसुगुड़ 113, कंधमाल 132, केन्द्रापड़ 150, केन्दुझर 169, कोरापुट 251, मलकानगिरी 100, नवरंगपुर 357, नयगढ़ 332, नुआपड़ 114, रायगढ़ 209, संबलपुर 384, सोनपुर 180 जन और कलाहांडी 39 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होते। राज्य में कमुची कोरोना टेस्टिंग बढ़ुची, से ही अनुपात में कमुची पॉजिटिव हार। पूर्व जहां 25% थिला ताहा एबे 18% पहुंचला। ट्रेंड को देखिले मे मास शेष सुधा कोरोना संक्रमण
कमिबार आशंका थिबा कहिसेंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र। सेपटे गाँव में कोरोना विपद को नहीं से सतर्क कराई गाँव में लोक मैंने थंडा काश हेले डाक्तर बिना परामर्श से मेडिसिन खाऊँ भूल नक अनुरोध करते तेज सबु औषध दोकान में बिना प्रिस्क्रिप्शन में औषध न देवा उचित। एवं विभिन्न राज्य में मोट छोट पिला अधिक कोरोना संक्रमण होती घर मुख्य को अधिक सचेतन होगा पड़ो कारण छोट पाने घर बाहर को जाती ना से घर सबु लोक यथाशीघ्र टीका नहीं जातु या सहित जदि घर अन्य लोक सचेतन होते हैं छोट पा संक्रमण न होबार आशंका भी कमी एटा भल एटा एक्सपेक्टेड थिला कि आम जोटा कि पाखापाखि पीक रे पहुँची जाइए बर्तमान जहाँ आस डाउन ट्रेंड ही आसो आम खाली पिकटा टी फ्लाट रहा टिपिकाल पिक है प्लाट्यू टाइप रही रहीगला से डिक्लाइन से एक्सपेक्टेड था मे एंड सुधा डिक्लाइन स्टार्ट हे पॉजिटिविटी हार आगु 25 थिला 25 रु 18 आसला तेनालीराम भल न्यूज गोटे और ग्राजुअली एक्सपेक्टेड कि कम। आज पुणी दुई रथ निर्माण सेवक पॉजिटिव चिन्हट जड़े महाराणा सेवक और जड़े भोई सेवक पॉजिटिव चिन्हट होती। आज सुधा मोट 20 जन रथ निर्माण सेवक पॉजिटिव चिन्हट होता बेले एमानक मध्यरे 13 जन महाराणा सेवक 7 जन भोई सेवक रही जमापड़ी एमानक नीलाचल भक्त निवास कोविड केयर सेंटर में चिकित्सा करपटे समस्त तीन रथ पर 42 कोटी तुम्बरु 40 कोटी तुम्ब काम शेष हो सूता बाड़िया चली। अनेपटे दोलबेदी स्थित कमारशाला ओझा महाराणा माने निया चुली रो ताती रे तीन रथ पर अरकंटा और पंदारी प्रस्तुत करुछंती। कंगना बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े ना संगीन अभियोग कुमार हेगड़े विरोध में आसी दुष्कर्म और ठकई पर संगीन अभियोग यह अभियोग आनी मुंबईर जड़े 30 वर्षिया ब्यूटिशियन युवती अभियोग अनुजाई कुमार दुष्कर्म करते कि गत वर्ष जून में विवाह करने कुमार प्रतिश्रुति खाली से नुह खबर अनुजाई कुमार हेगड़े और अभियोगकारिणी गत 8 वर्ष धरी लिव इन रिलेशनशिप रही है शारीरिक संपर्क युवती जनक मना कर कुमार दुष्कर्म कर संप्रक्त युवती मुंबई स्थित डीएन नगर पुलिस स्टेशन एक एफआईआर रुजु करछंती। एफआईआर अनुजाई पुलिस घटनार तदंत आरंभ करछि। समय जे छि बुलेटिन को रखिबा। नमस्कार।